नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं टॉप 25 क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ जीके के या जनरल साइंस के, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स रेलवे एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सारे क्वेश्चंस को देखिएगा और देख लेना कि आप लोगों को किस किस क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं और नहीं आ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा कि एसीटोन और पानी के मिश्रण की किसके द्वारा अलग किया जाता है। एसीटोन और पानी के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है, किस विधि के द्वारा। तो अगर हम बात करें एसीटोन और पानी के मिश्रण को किस विधि के द्वारा अलग किया जाता है, तो आपका सही आंसर है आसवन। जी हाँ दोस्तों, एसीटोन और पानी के मिश्रण को आसवन विधि के द्वारा अलग किया जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चंस के एंजाइम द्वारा भोजन के पाचन का कारण बनने वाली रासायनिक प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। एंजाइम द्वारा भोजन के पाचन का कारण बनने वाली रासायनिक प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, बच्चों जल्दी बताओ। तो एंजाइम द्वारा भोजन के पाचन का कारण बनने वाली रासायनिक प्रक्रिया को हाइड्रोलाइज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइड्रोलाइज। तो तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के पचे हुए भोजन का अवशोषण आंत में होता है, ऐसा कहा जाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण आंत में होता है ऐसा कहा जाता है। तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है, तो इस क्रिया को विली कहते हैं। VILLI, समझ रहे हैं, विली कहते हैं। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पाचन के परिणाम स्वरूप प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या है। पाचन के परिणाम स्वरूप प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन एज अ रिजल्ट ऑफ डाइजेशन इज। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका अमीनो एसिड। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा एसिड, अमीनो एसिड। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है और एक्यूरेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, मैट्रिक जूस के HCl का प्रमुख कार्य क्या है, ये हमसे पूछा गया है। मैट्रिक जूस के HCl का प्रमुख कार्य क्या है। देखो तीन ऑप्शंस आपके सामने हैं, अब इन तीनों में से कौन कौन सा सही होता है ये हमको बताना है। पेप्सिन के लिए अम्लीय माध्यम प्रदान करना, भोजन के अवशोषण को सुगम बनाता है या सजीवों को मारता है। तो आपका जो सही आंसर है वो पहला और तीसरा तो ठीक है कि पेप्सिन के लिए अम्लीय माध्यम प्रदान करना और सूक्ष्म जीवों को मारता है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा तीसरे नंबर का, फर्स्ट और थर्ड वाला जो है वो बिल्कुल ठीक है। ध्वनि तरंग का संबंध किस शब्द से नहीं है, जल्दी बताओ। ध्वनि तरंग का संबंध किस शब्द से नहीं है, तो देखो हर्ट्ज तो बिल्कुल ठीक है, डेसिबल तो मात्रक ही होता है, मैक संख्या भी आपका बिल्कुल ठीक है, मैक। तो ध्वनि तरंग का जो संबंध है वो किस शब्द से नहीं है, कैंडेला शब्द से नहीं है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, यदि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन तथा तरंग दैर्ध्य समान है तो उनका भी डैश समान होगा, क्या समान होगा, वेग, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग या ऊर्जा। यदि एक प्रोटॉन और एक फोटॉन का तरंग दैर्ध्य समान है तो उनका भी समान होगा, क्या रेखीय संवेग, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के, CO2 के अलावा अन्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा अन्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, ये हमसे पूछा गया। अच्छा यहाँ पर ये CH4 लिखा है, क्या लिखा है, CH4 यानी कि मीथेन। तो जल्दी से बताओ कि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा अन्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा CH4, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन बच्चों आपका बिल्कुल करेक्ट है और एक्यूरेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ब्यूफोर्ट स्केल का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। ब्यूफोर्ट स्केल का उपयोग जो है वो क्या मापने के लिए किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ब्यूफोर्ट स्केल का जो उपयोग है वो पवन का वेग मापने के लिए किया जाता है, क्या दोस्तों, पवन का वेग मापने के लिए किया जाता है। तो तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चंस के, निम्नलिखित में से कौन दाता परमाणु नहीं है। निम्नलिखित में से कौन दाता परमाणु नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डोनर एटम, जल्दी बताओ कि आपका सही आंसर क्या होगा।
तो एल्मोनियम बोला जा रहा है चौथा ऑप्शन, तो एल्मोनियम आपका बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन दाता परमाणु नहीं है? एल्मोनियम आपका बिल्कुल सही आंसर है, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के किसके साथ जोड़कर एक गैल्वेनोमीटर को एक वोल्टमीटर में बदला जा सकता है? किसके साथ जोड़कर एक गैल्वेनोमीटर को एक वोल्टमीटर में बदला जा सकता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जल्दी बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो बोला जा रहा है श्रृंखला पर उच्च प्रतिरोध, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, श्रृंखला पर उच्च प्रतिरोध तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। किसके साथ जोड़कर एक गैल्वेनोमीटर को एक वोल्टमीटर में बदला जा सकता है? श्रृंखला पर उच्च प्रतिरोध तीसरा ऑप्शन बच्चों आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, एक यूडियो मीटर मापता है, एक यूडियो मीटर मापता है क्या? यूडियो मीटर, जल्दी से बता दीजिए कि एक यूडियो मीटर क्या मापता है। तो बच्चों अगर हम बात करें एक यूडियो मीटर की, तो वॉल्यूम एयर गैसेस यानी कि गैसों का आयतन मापता है। क्या मापता है? देखो गैसों का दाब अलग मापता है, वो मैनोमीटर है। यूडियो मीटर गैसों का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ गैसेस, तीसरा ऑप्शन बच्चों करेक्ट है, ठीक है, ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के, नाइट्रिफिकेशन अभिसरण की जैविक प्रक्रिया है, नाइट्रिफिकेशन अभिसरण की जैविक प्रक्रिया है क्या? जल्दी बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा। नाइट्रिफिकेशन अभिसरण की जैविक अभिक्रिया, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका अमोनियम, अमोनिया को नाइट्रेट में, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की, मृदा जल के माध्यम से ऊपरी मिट्टी से अवभूति तक खनिजों के स्थानांतरण को कहा जाता है? बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जल्दी बताओ कि मृदा जल के माध्यम से ऊपरी मिट्टी से अब भूमि तक खनिजों के स्थानांतरण क्या कहते हैं? लीचिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लीचिंग, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के, तापमान से बढ़ने के साथ गैस में ध्वनि की गति में क्या परिवर्तन आता है? तापमान के बढ़ने के साथ गैस में ध्वनि की गति में क्या परिवर्तन आता है? तो वो तापमान में बढ़ने के साथ ध्वनि की गति में क्या परिवर्तन आता है? ध्वनि की गति जो है वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगर तापमान पे ध्वनि की गति की बात हो रही है तो वृद्धि होती है, और अगर यही बात करते हैं हम किसकी, प्रकाश की गति की, तो प्रकाश की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वही की वही रहती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य रूप से अत्यंत नरम खनिज सिलखड़ी कौन सी है? मुख्य रूप से अत्यंत नरम खनिज सिलखड़ी कौन सी है? जल्दी बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बच्चों आपका सही आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम सिलिकेट, चौथा ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट है। क्या? मैग्नीशियम सिलिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चंस, मानव शरीर के कौन से दो मुख्य अंग हैं जहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? ये बढ़िया क्वेश्चंस है। मानव शरीर के ऐसे कौन से दो प्रमुख अंग हैं जहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? आपका सही आंसर है हृदय यानी कि हार्ट, और मस्तिष्क यानी कि ब्रेन, तीसरा ऑप्शन बच्चों आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस के, लेप्टोस्पायरोसिस एक बीमारी का कारण है, या जो बीमारी है लेप्टोस्पायरोसिस, ये बीमारी किसके कारण होती है, ये हमसे पूछा गया है। तो अगर हम बात करें लेप्टोस्पायरोसिस बीमारी के बारे में, तो ये बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के कारण होती है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। क्या? बैक्टीरिया या जीवाणु, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। लैम्बर्ट का नियम किससे संबंधित है? लैम्बर्ट का नियम किससे संबंधित है? जल्दी बताओ, लैम्बर्ट का नियम किससे संबंधित है? तो लैम्बर्ट का नियम जो है वो प्रदीपन से घनत्व है। किससे? प्रदीपन से। तो चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, लैम्बर्ट का नियम प्रदीपन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्यूरी पॉइंट वह तापमान होता है जिस पर, क्यूरी पॉइंट वह तापमान होता है जिस पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्यूरी पॉइंट वह तापमान होता है जिस पर एक चुंबकीय या एक धातु चुंबकीय गुण खो देता है, एक धातु जो है वो चुंबकीय गुण खो देता है, उसको हम क्यूरी पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, इनमें से क्या एक लुइस एसिड नहीं है? निम्नलिखित में से क्या एक लुइस एसिड नहीं है? NH3 जो है वो एक लुइस एसिड नहीं है, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। वर्षा मापने के उपकरण को क्या कहा जाता है? वर्षा मापने के उपकरण को क्या कहा जाता है? तो वर्षा मापने के उस उपकरण को हाइटोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइटोमीटर, यानी कि चौथा ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा ऑप्शंस? चौथा ऑप्शंस आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने, उबले अंडे में कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है? उबले अंडे में जो बॉइलिंग एग होता है उसमें कितनी
एनर्जी होती है? तो 78% होती है। कितनी? 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73% लोहा, 18% क्रोमियम, 8% निकल और 1% कार्बन रूपों का मिश्रण है, यानी कि लोहा, क्रोमियम, निकल और कार्बन जो मिश्रण है, तो उससे कौन सी धातु बनती है? तो स्टेनलेस स्टील बनती है। स्टेनलेस स्टील जो है वो लोहा, क्रोमियम, निकल और धातु कार्बन का क्या है? मिश्रण है। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, पित्त रस का पीएच मान कितना होता है, ये हमसे पूछा गया है। पीएच मान ऑफ बाइल जूस जल्दी बता दो। तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका 7.5। पित्त रस का पीएच मान होता है 7.5। तो दोस्तों ये थे आपके 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। अब आपको बिल्कुल ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ बताना है कि आपके इसमें कितने नंबर आ रहे हैं। अब दोस्तों मैं आपसे क्वेश्चंस पूछने जा रहा हूँ, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का जो आपका क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने, हारमोन है क्या? एंजाइमेटिक उत्पाद, रासायनिक संदेश वाहक, तंत्रिका आवेग या उत्सर्जन उत्पाद? तो सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।